दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 2023 का फॉर्म आ चुका है, तो लाइक मत कीजिएगा इस वीडियो का जब तक आपको सही वीडियो ना लगे, और अगर सही लगे तो कंजूसी भी मत कीजिएगा लाइक करने में। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 11 का फॉर्म कब आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 2023 का क्लास फर्स्ट का, सिक्स का, नाइन्थ का फॉर्म आ चुका है, 11 का कब आएगा, और यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, बीएड का, बीटेक का, एमबीए का, बीएससी का, बीकॉम का कब फॉर्म आएगा। तो रेगुलर कोर्सेज की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दो ही टाइप के फॉर्म निकलते हैं, एक स्कूल का, दूसरा यूनिवर्सिटी का। तो स्कूल का फॉर्म निकल गया है, और जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलेगा तो उसके साथ क्लास 11 का भी निकलेगा, डिप्लोमा का भी निकलेगा, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम सबका निकलेगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं डेटा एनालिसिस पे, रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा, डेटा एनालिसिस के साथ बताऊंगा कि आपका फॉर्म आने में अभी देरी क्यों है और कब तक आने की उम्मीद है। सबसे पहले ये देखिए शेड्यूल, ये शेड्यूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सदियों से बनाता आ रहा है। ये मैं 2015 का डेटा लिया हूं, इसके बाद देखेंगे तो ये 2016 का है, ये 2017 का है, उसके बाद ये 2018 का है, ये 2019 का है, ये 2020 का है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2020 के बाद तो ये रहा 21 का है, ये फॉर्म है ना 2021, उसके बाद ये रहा 2022 का। तो टोटल आप देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा जो फॉर्म निकालते आ रहा है वो आपके एक पहले शेड्यूल लेके आता है, इस टाइप के शेड्यूल। इस शेड्यूल में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर होता है और बताते हैं कि क्लास 11 का टेस्ट कब होगा। तो अभी सबसे पहले इस फॉर्म निकलने से पहले क्लास 11 का ये शेड्यूल आएगा, ये शेड्यूल आएगा कि 2023 में कब टेस्ट होगा, उसके बाद शेड्यूल के बाद तब आपके फॉर्म निकलेगा। अगर मैं बात करूं पहले से तो ये हमेशा एक साल पहले यानी पिछले साल ही आया जाए, जैसे 2015 का फॉर्म निकलने के लिए दिसंबर 2014 में ही ये शेड्यूल आ जाया करता था, लेकिन दिसंबर बीत चुका है, जनवरी चल रहा है, तो इसी जनवरी में ये शेड्यूल आने वाला है कि 2023 में इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का टेस्ट कब होगा। इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें ज्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं, जैसे BLLB, MBA, BEd, BTech, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BA, BSc, BCom, ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज इसलिए है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स अपने देश के, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक, देश के हर स्टेट्स के बच्चे आते हैं इन सारे कोर्सेज में। तो इन सारे कोर्सेज का जो शेड्यूल है वो पहले से बता दिया जाता है। तो ये तो शेड्यूल 2023 का आया नहीं है, तो आया नहीं है तो फॉर्म भी आएगा इस शेड्यूल के पास। तो इस शेड्यूल, मेरा अपना मानना है, मेरा अपना स्पेकुलेशन है कि 2023 में इसी जनवरी में पहले शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आने के बाद आपका जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि स्कूल का जब निकल चुका तो जितने भी एएमयू के ऑफिशियल्स हैं वो सब लग गए हैं किसमें, यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी कॉलेज का फॉर्म बनाने में। तो फॉर्म आपके जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, और आपका ये पहले शेड्यूल आ जाने दीजिए, इस शेड्यूल से आपको पता चल जाएगा कि 2023 में आपका टेस्ट कब होने वाले हैं, तो आपका मन लगेगा क्योंकि डेट पहले से पता चल जाता है तो तैयारी करने में मन लगता है, और आप मंथ वाइज अपना सिलेबस को ब्रेक करके आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री में तैयारी करना है तो TBIT क्लासेस जो चैनल है YouTube, इस पे बहुत सारे कंटेंट्स आपको फ्री मिलने वाला है। हम अपने एप्लीकेशन पे टेस्ट करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, रिकॉर्डिंग वाले भी क्लासेस हमारे पास उपलब्ध है, फ्री में है, 500 रुपया से लेके 5-10 हज़ार तक का हम आपकी तैयारी करवाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, अगर आपको हॉस्टल के साथ और खाने के साथ दिल्ली में रहना तो उसका भी अरेंजमेंट है हमारे पास। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, दिए गए नंबर पर कॉल करके पता करिएगा कि आप क्या चाहते हैं, ऑनलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं, हॉस्टल के साथ चाहते हैं, हॉस्टल, खाना, रहना और उसके बाद पढ़ाई भी चाहते हैं, तो सबकी व्यवस्था आपको TBIT के जरिए आपको प्रोवाइड होगी। बस अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, यारों, फैमिली मेंबर को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही का फायदा है। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।